दोस्तों जैसा कि आपको पता होगा कि आज के समय पे सिरिंज को कितना यूज़ में लाया जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, और अगर सिरिंज के नीडल को बिना डिस्ट्रॉय किए हुए इधर उधर फेंक दिया जाए तो किसी के शरीर के किन्हीं अंगों पे लगने से सेप्टिक पकड़ सकता है और बीमार हो सकते हैं दोस्तों। तो चलिए, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, नोटिफिकेशन को ऑल पर रखें ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच सके। तो चलिए दोस्तों, आज हम अनबॉक्स करते हैं मैनुअली सिरिंज डिस्ट्रॉय। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं, मैनुअल सिरिंज नीडल डिस्ट्रॉयर। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए अब हम इसे अनबॉक्स करते हैं और देखते हैं कि हम किस प्रकार से सिरिंज के नीडल को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं मैनुअली। दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं, इसमें हैवी स्टील कंटेनर लिखा हुआ है, ड्यूरेबल शार्प स्टील ब्लेड और ईजी टू मेंटेनेंस है। जी हाँ दोस्तों, और इसके पीछे की अगर हम देखें तो कॉम्पैक्ट डिज़ाइन के साथ साथ और भी बहुत सारे कुछ अवेलेबल है। तो चलिए अब हम इसे अनबॉक्स करते हैं और चेक करते हैं कि इसमें हम कितना नीडल को एक साथ काट सकते हैं। तो चलिए जैसे ही हम इसे अनबॉक्स करते हैं, हमें मैनुअल सिरिंज नीडल डिस्ट्रॉयर सामने दिखाई पड़ता है। तो चलिए अब हम इसे खोल के देखते हैं कि इसमें और क्या क्या चीज़ें अवेलेबल है। दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं, ऊपर के जो स्मॉल होल है वो नीडल कटर है और नीचे वाला बैरल कटर। जी हाँ दोस्तों, और हम किस बैरल और नीडल को काटने के लिए इस प्रकार से हम इसके स्ट्रिंग्स को दबाएंगे। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए अब हम इसके ओपनर को खोल के देखते हैं और देखते हैं कितना स्पेस है। तो दोस्तों इसमें आप बहुत सारे नीडल को काट के रख सकते हैं और डिस्ट्रॉय कर सकते हैं बहुत सारे नीडल को। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए हम एक एग्जांपल पे एक नीडल को काट के दिखाते हैं किस प्रकार से काटा जा सकता है। चलिए दोस्तों, अब हम एक सिरिंज को डिस्ट्रॉय करते हैं, उसके नीडल और बैरल दोनों को डिस्ट्रॉय करते हैं। उसके लिए हमें सबसे पहले चेक कर लेना है कि कहाँ पे नीडल कटर है और कहाँ पे बैरल कटर है, उसी जगह पे हम नीडल को रखेंगे और काटेंगे। जी हाँ दोस्तों, तो देखिए नीडल को हम नीडल के जगह पे रख दिए हैं और इसके स्ट्रिंग्स को दबाते ही यह कट जाएगा। और उसके बाद बैरल के लिए, बैरल का दूसरा होल है दोस्तों, उसी पे लगा देंगे और स्ट्रिंग्स को दबा देंगे। जैसे ही हम स्ट्रिंग्स को दबा देंगे, बैरल भी आसानी से कट जाएगी। तो दोस्तों आप इस प्रकार से एक नीडल के सिरिंज और बैरल को दोनों को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, नोटिफिकेशन को ऑल पर रखें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके।